जी नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के अंतर्गत आज हम लोग डायरेक्शन को कवर करेंगे और देखेंगे डायरेक्शन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे उनको सॉल्व करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दिशाएं सीखेंगे, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच से अगर जाएं तो उत्तर पूर्व, ये देखें तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। अगर इसको डिवाइड करें तो दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये हो गए हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। ये हो गई हमारी 6 दिशाएं। इसमें हमारी कुल दिशाएं हो गई 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल दिशाएं हो गई हमारी 8। मुख्य दिशाएं हो गई 4, यानी 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4, और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, 4 दिशाएं और मिली तो टोटल कुल दिशाएं हो गई हमारी कितनी, 8। अब इसके अंतर्गत 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो होता है टाइप 1, जिसमें आपको पहले दिशा दे देगा कि आप यहाँ से चलना शुरू करते हो और अंत में एक स्थित पर पहुँचने के बाद अंतिम दिशा ज्ञात करना होगा। इसी के पार्ट 2 में आते हैं। टाइप 1 के 2 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें पहली दिशा दे दिया जाएगा कि आप इस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, दाएं गए, बाएं गए और अंत में एक स्थित पर पहुंचे, और वहां से अंतिम दिशा ज्ञात करना कि आप किस स्थित में हैं या किस तरफ आपका मुंह है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, अंतिम दिशा दे देंगे और देकर प्रारंभिक दिशा का पूछेंगे। तो हम लोग ये दोनों टाइप को करना पहले टाइप में सीखेंगे जिसमें से हम क्वेश्चन उठाते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर सीखते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
देखिए, राम अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जाता है? तो सबसे पहले एक हम पॉइंट ले लेते हैं, उत्तर हमारा हुआ ऊपर की तरफ, देखिए पहले ये बना ले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। राम अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, ये राम का घर है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। अब इसका मुंह किधर है? इसका मुंह इस साइड है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर, अब राम का दाया क्या हुआ? हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा दाया ये, बाया ये, तो राम का दाया ये हुआ, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, 3 किलोमीटर चला। अब जब दाएं मुड़ा तो इसका मुंह किधर है? इसका मुंह सामने है, इसका दाया ये होगा, बाया ये होगा, ठीक है। यानी ऊपर की ओर, इस जगह से ऊपर ये जो हिस्सा है ऊपर का, ऊपर होगा बायां और नीचे का हिस्सा होगा दायां, क्योंकि मुंह इसका इस तरफ है, ठीक। दायां 3 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां कौन सा है? इसका बायां ये, पुनः दायां मुड़, बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा, ये ऊपर की दिशा कौन सी थी? उत्तर दिशा। तो अंततः वह किस दिशा में पहुंचा? उत्तर की दिशा। यानी देखते हैं पहले राम कहाँ से निकला। राम अपने घर से निकला, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। अब इसके एक हाथ ये गया, एक हाथ इसका ये गया, मुंह इसका सामने है। जब सामने है तो दाहिना हाथ दाएं जाएगा, बायां हाथ बाएं आएगा। अब वो दाएं मुड़ता है, अब वो दाएं मुड़ेगा इस तरफ, अब उसका मुंह इस तरफ हुआ, यानी बायां हाथ ऊपर की तरफ, दायां हाथ नीचे की तरफ, ठीक है। अब जाके वो बाएं मुड़ता है, जब बाएं मुड़ा तो इसका चेहरा अब ऊपर की तरफ हो गया। अब वह किस दिशा में है? अब वह ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? ऊपर की तरफ हमारी कौन सी? उत्तर। तो अब वह किस दिशा में है? अतः राम उत्तर दिशा में है। नोट कर लीजिए आप लोग।